Hi everyone, my name is Karan Rastogi. I am the founder and director of Helpers Green. Helpers Green is a social enterprise based out of Kanpur that prevents the Ganges from becoming a religious sewer by flower cycling the waste from the places of worship and converting them into patented lifestyle products like dhoop sticks, colors, holy colors, and many other things. In this process, we employ rural women. Hum unko employ करते हैं so that we can give them a better standard of living and we can improve and encourage their generations to come. Well podcast with Kasti. Karan, as far as I know कि आप born and brought up कानपुर से हैं, so can you tell us little bit about your childhood? आपका कैसा childhood रहा? Schooling कहाँ थी? Colleges? और ये सोच आपके दिमाग में कैसे आई? So my schooling was part from Kanpur and part from Missouri. और जब भी हम कभी नानी के घर जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो उनके यहाँ भी बहुत फार्म्स और आम के खेत और अमरूद के, तो वहां जाके बड़ा मजा आता था कि यस दिस इज समथिंग दैट सो नेचर हैज ऑलवेज बीन क्लोज टू माय हार्ट. बट ड्यूरिंग माय स्कूलिंग वाज फ्रॉम सेंट जॉर्जेस कॉलेज मसूरी. देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टू परस्यू माय स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज. उसके बाद देन आई वेंट टू परस्यू माय मास्टर्स इन business analytics and consulting from University of Warwick because I always had a knack for mathematics. So I picked up a very interesting topic of sustainable practices of Fortune 500 companies. Okay. Where I studied Tata, JLR and Shell and what are their practices since 2009. So when I came back to Kanpur and I had to join my dad's business, so main mandir jata tha regularly. जब आप मंदिर जाते हो तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट यू गो विद? पीस ऑफ माइंड. एब्सोल्युटली. आप इस्कॉन जाते हो, आपको इतना साफ लगता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, यू गेट दैट पॉजिटिव वाइब. बट सपोज आप किसी मंदिर में जा रहे हो, कानपुर का सबसे बड़ा मंदिर, जहां पे आप घुसते साथ ही गंदगी, फूल बिखरे पड़े हैं, गाय, बकरी, डॉग्स, मंकी सब उस फूल से खा रहे हैं, पन्नियां चबा रहे हैं, और जो जितने पंडित वहां पे आसपास रहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, वो अपना सारा गार्बेज में ही डाल रहे हैं. तो आप समझो गार्बेज का हीप बनाए गंगा के बगल में. मैंने किसी पंडित से पूछा, मैंने कहा ये गंगा में क्यों जा रहा है? कह रहा है ये तो आस्था है कि जिसकी जो श्रद्धा हुई वो सीधा गंगा में प्रवाहित हो गई. तो क्या हमने कभी सोचा कि इस आस्था में और क्या क्या जा रहा है? तब मेरे दिमाग में आया कि हम कुछ इसके लिए कुछ नया विकल्प निकालते हैं. तो पहले तो पेरेंट्स को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज सबसे बड़े आपके क्रिटिक कह लीजिए या आपका मोटिवेशन फैक्टर कह लीजिए, वही होते हैं. फिर वहां से जब उनको कन्विंस किया तो वहां से जर्नी शुरू हुई हमारी हेल्पर्स ग्रीन. और इसमें फिर मैंने अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड को अंकित अग्रवाल, जो हम लोग क्लास 11 से हम लोग साथ ट्यूशन जाते थे मैथ्स की, अच्छा, मैंने उसको फोन किया. मैंने कहा लेट्स डू समथिंग, यार अब कुछ नया करते हैं, ये जो पेरेंटल बिजनेस समझ में नहीं आ रहा. तो ही सेड चलो कुछ ट्राई करते हैं. तो वहां से फिर हमारा सफर शुरू हुआ. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच करण. सो जैसा कि आपने कहा करण, यू एंड योर फ्रेंड जो क्लास 11 से, अंकित और करण की जोड़ी 11 से साथ में हुई, उसके बाद आप लोग शायद ट्यूशन में भी शायद एक ही साथ जाते थे, और कहीं ना कहीं जो पहला प्रोडक्ट फूल की बुनियाद शायद वहीं कहीं से हुई. पहला प्रोडक्ट हमने निकाला था मिट्टी, जो एक वर्मी कंपोस्ट है, जैविक खाद, और स्टिक्स एंड स्टोन्स जो अगरबत्ती है. हमने पहला प्रोडक्ट वो निकाला था, हमने उसको अमेज़न पे लिस्ट किया, बट कोई हमें सीरियसली लेता नहीं था उसको. और ये किस साल की बात है? ये 2015 की बात है. एंड आई थिंक एज फार एज आई कैन कैलकुलेट, आप लोगों की उम्र उस वक्त 24-25 साल की होगी. पहली 26. सो ऑब्वियसली पीपल नॉट टेकिंग सीरियसली, इट्स ओके. हमारे कुछ वीडियोस और फोटोज के साथ. ओके लेट्स गो. की फोटो होने से पूजा सामग्री ज्यादा बिकती बाकी सबसे.
पूजा का सामान है, भगवान की फोटो है, कूड़े में कैसे डालूं, नदी में प्रवाहित कर रहा हूं। करण, आई फील दैट वॉज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर जब सब इस वीडियो को देखेंगे वो सबको भी इतना ही अच्छा लगेगा। करण, यज्ञ के बारे में कुछ बताओ ना। तो यज्ञ एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग ने 2015 में सोचा था कि लेट्स मेक रिलीजन सस्टेनेबल। तो वो उस समय जब हम लोग बोलते थे तो कोई समझता नहीं था, पर जब 2019 में जब मेरा और अंकित का सेपरेशन हुआ दो कंपनीज में, पूल और हेल्पर्स ग्रीन में, तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि राधा धन जो मैं एडवांसमेंट करूं टेक्नोलॉजी में, उससे अच्छा वो प्रोडक्ट हूँ जो मासेस को अपील करे, ताकि जब मास उस वे में सोचेगा तभी हमारा देश आगे प्रोग्रेस करेगा। तो हमने एक रेंज निकाली एसेंस ऑफ इंडिया। एसेंस ऑफ इंडिया में हमारा बेसिक मकसद था लेट्स मेक रिलीजन सस्टेनेबल। जो आपने यज्ञ की वीडियो देखी है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब हमारे पैकेजिंग जो हम फेंकते हैं वो हम क्यों फेंकें, जब हमारा प्रोडक्ट अपसाइकिल हो सकता है तो हमारी पैकेजिंग भी बायोडिग्रेडेबल है। प्लस हम एक पेड़ लगा रहे हैं, उस पेपर में तुलसी के बीज हैं, जो आप उसको एक से दो दिन पानी में सुखा के सोख करके रखिए, उसके बाद उसको आप डाल के पॉट में डालिए और रेगुलरली पानी दीजिए। Within 21 to 30 days, you'll have those seedlings growing. और करण, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि अगरबत्ती या फिर धूप, हम किसी भी चीज के बारे में बात करें, उनके सामने भगवान की फोटो लगी होती है और इसी कारण की वजह से वो मंदिर और मस्जिद को बीच में से बाईफार कर देता है कि सारे मटेरियल हर डोमेन में नहीं जा सकते, या सारी जो हम हिंदू यूज कर रहे हैं शायद वो मुस्लिम ना यूज कर पाए। I have something very interesting for you. Let's watch this first. Oh, Karan, this is interesting, यार। ये क्या है Essence of India? कुछ बताइए ना इस बारे में। So, Essence of India एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने अभी बताया Let's Make Religion Sustainable। इसमें क्या है, हमने कुछ 8 यूनिक फ्रेग्रेंसेस निकाली हैं, जो कि पूरे भारत से है। जैसे आसाम में पाट चौली उगती है, तमिलनाडु में लेमन ग्रास होता है, कर्नाटका में सैंडलवुड की खेती होती है। तो इस टाइप के हमने 8 फ्रेग्रेंसेस निकाले हैं और हर 2 महीने में उसके फ्रेग्रेंसेस ऐड करेंगे, ताकि एक पूरा भारत का नक्शा तैयार कर सकें कि हर एक प्रदेश में कुछ एक यूनिक एलिमेंट है। और उस यूनिक एलिमेंट की अरोमा को हमने अपने बैम्बू लेसन सेंस स्टिक्स में, उसमें सीड पेपर पैकेजिंग में हमने पैक किया, जिसमें कि तुलसी और किसी में मारी गोल्ड गेंदे का फूल का बीज होगा, ताकि जब हमारी पैकेजिंग खत्म हो जाए उसके बाद हम उसको सो कर देंगे और उसका पेड़ उगेगा तुलसी या गेंदे का, जो हर घर यूज कर सकता है। करण, योर जर्नी इज सो इंस्पायरिंग। अगर आपकी जर्नी से किसी को कुछ, someone wants to take away from it, what is it you want to share to the youth? मेरी जर्नी से, मेरे हिसाब से consistency and patience, because चीजें overnight नहीं बदलती। आज मुझे 5 साल शायद लग गए सिर्फ इसको समझाने में और सब लोगों को एक बिलीव दिलाने में कि yes, things like this are possible। जब हमने शुरुआत करी थी कोई नहीं मानता था, तो हम लोग ने डटे रहे, चाहे हम लोग साथ थे या अलग, हम लोग हमेशा डटे हुए कि नहीं ये चलेगा। तो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस आर द टू की थिंग्स आई गेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी स्टार्टअप टू स्टार्ट देयर जर्नी विद। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड करण, वेरी वेल सेड। करण, इफ समवन हैज टू आस्क यू, कि इतने सारे एरोमा के साथ यू आर ऑलवेज सराउंडेड
Which one is your favorite aroma and why? My favorite aroma is Havan Samagri, because that takes me back to the roots. और वो एक ऐसा ऑरा क्रिएट करती है कि आप भले जितने भी टेंशन में हो या कुछ भी हो, वो ऐसी अरोमा होती है, सूदिंग अरोमा, जो जिसको देख के लगता है नहीं यार, दिस इज आई हैव कम टू माय होम. हमारी एक छोटी सी पहल है जो हम उसको कंप्लीट कर सकते. अगर ऐसे ही पहल हर एक शहर में जो गैंजेस से अलाउंड है वहां होती है, आज मैं पूरा सपोर्ट देने को तैयार हूँ कि जिसको जो जिसको अगर उसमें हेल्प चाहिए सेटअप करने में, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा. क्यों? बिकॉज मैं अकेला एक मूवमेंट नहीं चला सकता, और ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है, अगर पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा. बहुत सही कहा करण इस बारे में कि गंगा को अगर हम माँ मानते हैं तो उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, और मैं अकेला नहीं कर सकता. मुझे आप जैसे बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं हर शहर में एक ऐसा छोटा यूनिट भी लगाऊं ताकि एक चीज का तो वेस्ट कम हो. अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? मेरे से अगर कोई जुड़ना चाहता है, I'll share my contact number along with my email ID. My number and email is on the website helpersgreen.com, and I'm also leaving on the description section. You're free to call me whenever you want and have any doubts, and I'll be happy to connect with the people who want to bring such change in the ecosystem. आई थिंक करण, इस आर्मी को हमें खुद ही बहुत बड़ा करना है, और जैसा कि आपने कहा, हमें सोच भी बहुत बड़ी करनी है. बिल्कुल ठीक बात है, सोच बहुत बड़ी करनी पड़ेगी. करण, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम जो दिया, और इस बारे में मुझे इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि जिस फूलों की माला या जो फूल हम देखते हैं वो इतना बड़ा वेस्ट का कारण भी बन सकता है. माय प्लेजर कौस्तव, एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस आउट इन स्प्रेडिंग द वर्ड, बिकॉज़ दिस इज द इनिशियल स्टार्ट एंड वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे. Please subscribe to this channel, 3DB. Thank you.